कैसे हो? आज अमूल के लाइव पेज पे मैं पुनीता देसाई नड़ियाद से होम शेफ कुकिंग क्लासेस के किचन से आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम अमूल की न्यू प्रोडक्ट पनीर भुर्जी का उपयोग करके एक बढ़िया सी रेसिपी बनाने वाले हैं जो हम फास्ट में भी खा सकते हैं। और वैसे भी अब तो हमारे गुजरात में तो बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। राखी भी आएगी, वो सातम आती है, आठम आती है, जन्माष्टमी, हमारे कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। तो ऐसे त्योहारों में लोग फास्ट भी रखते हैं, तो उसी वक्त आप खा सकते हो। ऐसी एक स्वीट लेके आई हूँ, आप उसे एज ए स्वीट भी सर्व कर सकते हो और एक अलग सा वर्जन एज ए आप बिना रबड़ी के भी उसे यूज कर सकते हो। और आज ये जो रबड़ी बनाने वाली हूँ वो बहुत इंस्टेंट है, बहुत क्विक बन जाएगी। वैसे ज्यादा बनाओगे तो टाइम लगेगा, लेकिन जो मैं जो मेजरमेंट दे रही हूँ उसके हिसाब से आप बनाओगे तो आप 20 से 25 मिनट में ये रेसिपी को ओवर कर सकते हो। हम दोनों को एक साथ में ही लेते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें ये अमूल गोल्ड टेट्रा पैक चाहिए। आप जो बैग आती है वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी अच्छा ही रिजल्ट आता है। ये पनीर भुर्जी जो न्यू लॉन्च है, अमूल के न्यू प्रोडक्ट है। फिर घी चाहिए, शक्कर, शुगर पाउडर, मिश्री चाहिए, मिश्री और आप शुगर भी ले सकते हो, मिल्क पाउडर जो मैंने अमूल का ही लिया है, और कैश्यू और सॉरी आलमंड एंड पिस्ताचियो एंड जो सैफ्रन आता है उसको मैंने थोड़े से वार्म मिल्क में भिगो के रखा है। ओके, तो अब हम हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। पहले मैं दूध को उबालने के लिए रख देती हूँ। उसके लिए ये मेरा 200 ml का मेजरिंग कप है, उसके हिसाब से मैंने 2 कप जितना दूध में ले रही हूँ। रही हूं।
पनीर भुर्जी अमूल की न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई है वो मैं ले रही हूँ। मैंने ये 2 कप जितना मिल्क लिया है और उसके सामने आपको ज्यादा रोल पसंद है खाने के लिए तो आप ज्यादा भी ले सकते हो पनीर का, लेकिन अभी मैं ये 1 कप मेजरमेंट से मैं बना रही हूँ। ये जो पूरा पैकेट है वो मैंने ले लिया है जो 200 ग्राम का है, इसमें से मैं 4 टेबलस्पून जितना जो पनीर है पनीर भुर्जी उसे मैं ये रबड़ी में डालने वाली हूँ। वैसे ये क्रम्बल ही है लेकिन अंदर जो मैंने मुझे रबड़ी में ऐड करना है तो मैं अच्छी तरह से उसे ग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये रबड़ी में जाने के लिए रेडी है। हो सके तो आप उसे फुल फ्लेम पे भी बना सकते हो। मैं उसे अलग से ले लेती हूँ। अभी मैं उसे बाद में ऐड करूंगी, अभी थोड़ा उबल देती हूँ मैं उसे। तो अब ये पूरा जो पनीर है वो मैं ले रही हूँ। मैंने इसलिए छन्नी में डाला था कि थोड़ा भी मॉइस्चर फ्रीजर में के निकालने के बाद हो तो वो आ जाए, लेकिन ये पनीर इतना अच्छा था बिल्कुल उसमें मॉइस्चर नहीं है। देखो आप, तो हम जो चीज बनाएंगे जो भी रेसिपी बनाएंगे वो भी बहुत बढ़िया ही बनने वाली है। अब उसे अच्छी तरह से मुझे मसल देना है। पनीर में बहुत सारा प्रोटीन होता है और बच्चों के लिए पनीर बहुत अच्छा है, वैसे सबके लिए अच्छा है, बच्चे अकेले क्यों, हम सब भी एडल्ट लोग भी खा सकते हैं उसे और बुजुर्ग लोग भी खा सकते हैं। ये पनीर भुर्जी जो है उसे हमें फ्रोजन सेक्शन में स्टोर करना है तो वो अच्छी तरह से फ्रेश रहता है। देखो ये अच्छी तरह से मैंने उसका स्मैश कर दिया है, मैं मुझे उसे ग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं लगी। मैं 2 टेबलस्पून जितना अमूल का मिल्क पाउडर ले रही हूँ वो ऐड कर देती हूँ। बाहर थोड़ा बारिश है, ऐसा एटमॉस्फेयर है तो वो थोड़े लम्स हो गए हैं, और उसी के साथ मैं इसमें शुगर पाउडर ले रही हूँ। उसे मैं अभी ये बारिश का मौसम है तो थोड़े लम्स हो गए हैं तो मैं उसे भी तोड़ देती हूँ।
जो मैं रोल करूंगी तो मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं सब कुछ मिला देती हूँ। एक डो जैसे फॉर्म लाना है हमें। भी ध्यान रखना है जो हमारा रबड़ी है वो नीचे स्टिक ना हो जाए। ये टिप्स ये है कि हमें जो बॉटम होती है वो थिक बॉटम वाला पैन लेना है। कोई भी आप फैसल यूज करते हो तो थिक बॉटम वाला यूज करना है। और आप थोड़ा पानी डाल के भी दूध ऐड कर सकते हो पैन में तो चिपकेगा नहीं दूर। मैं यूज टू हो गई हूँ, मुझे नहीं जरूरत तो मैंने नहीं डाला है। देखो इसे मसल मसल के अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और ऐसा डो बना देना है। और डो बना देने के बाद हमें उसे आधे घंटे के लिए थोड़ा रेस्ट देना है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों की जो गर्मी है और सबका, तो उसकी वजह से ये थोड़ा गीला लगता है हमें। हम जब रोल आउट करेंगे तो थोड़ा चिपकेगा, वैसे तो नहीं चिपकता, लेकिन सेफर साइड ये है कि हमें उसे फ्रीज में आधे घंटे के लिए सेट करना है। तो मैं सेट करने के लिए छोड़ती हूँ। मैंने एक सेट करके रेडी रखा है वर्जन, मैं आपको उसी से रोल आउट करके दिखाती हूँ। देखो अब मुझे ज्यादा उसे नहीं करना है, मैं थोड़ा हाथ में घी ले लेती हूँ और उसके मैं रोल बना देती हूँ। आपको जो इसमें सर्व करना है उसके अकॉर्डिंग हम ये रोल बनाएंगे। ओके, मुझे ये छोटे छोटे कुल्लड़ के मिट्टी के आते हैं सर्विंग, उसमें मुझे सर्व करना है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है और सिंगल सर्विंग हो जाएगा। आपके हाथ में चिपके तो आप थोड़ा सा घी लगा के, घी से आपके हाथ घी वाले करके आप
उसे रोल कर सकते हो। दूध जो ये है अमूल गोल्ड, ये अच्छी तरह से उबल रहा है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इतने रोल में फिनिश करके मैं आप सबको दिखाती हूँ। वैसे बच्चे लोग ये अकेला भी बहुत अच्छी तरह से खा लेते हैं। इसमें मिल्क पाउडर आता है तो उससे पनीर का तो टेस्ट अच्छा रहता ही है, लेकिन उसकी क्रीमीनेस जो है वो अमूल मिल्क पाउडर से उसका क्रीमीनेस बढ़ जाता है। राखी में भी आप एज ए स्वीट उसे सर्व कर सकते हो, एज ए डेजर्ट भी आप इसे सर्व कर सकते हो। सिर्फ आपने स्वीट अलग से बनाया है और अब डेजर्ट में उसे सर्व करना है तो भी आप उसे डेजर्ट में सर्व कर सकते हो, ऐसे सिंगल छोटे छोटे सर्विंग करके। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे सर्व करना है। और वैसे ये रोल भी सिर्फ आपको सर्व करना है, आपने कोई जो स्वीट है वो अलग से बनाई है और सेकंड आपकी जो प्लेट है उसमें आपको सेकंड स्वीट भी लेनी है, तो आप ये ऐसे रोल सिर्फ बना के फ्रिज में रख सकते हो और उसे सर्व कर सकते हो। तो ये मैंने रोल अच्छी तरह से बना दिए हैं। मैं उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए रख देती हूँ। साथ में ये रबड़ी पे भी हमें ध्यान देना है।
के ऊपर ये जो लगता है ना वो भी हमें उसके अंदर ऐड करते जाना है, उसी से ही रबड़ी अच्छी बनेगी। ये धार ये कंजूसी नहीं है, लेकिन उसी से ही हमारी रबड़ी का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। ये अच्छी तरह से कुक होने लगी है और उसका जो वॉल्यूम है वो भी थोड़ा कम हो गया है। तो अब मैं ये जो पनीर भुर्जी है अमूल की वो ऐड कर रही हूँ, ग्रेजुअली ऐड करनी है। तो इससे क्या होगा कि लम्स नहीं होंगे उसके भी, क्योंकि ये गरम गरम है ना। पनीर डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, पनीर को ज़्यादा कुक करते हैं तो वो च्यूई हो जाता है, तो हमें वैसा टेक्सचर नहीं चाहिए। और अब संभाल के अच्छी तरह से उसे कुक करना है। इसमें केसर डालना हो तो आप अंदर डाल सकते हो, लेकिन अभी मैं उसे प्लेन रख रही हूँ। जब मैं सर्व करूँगी उसी स्टेज पे मैं केसर वाला दूध उसके ऊपर ऐड करूँगी। आपको अंदर डालना है तो आप डाल सकते हो। ये हमारा जो वो पूरा होने वाला है, तो मैं इसी स्टेज पे जो गैस है उसको स्विच ऑफ कर देती हूँ। और आप बोलोगे ये तो बहुत पतला है, लेकिन ये थोड़ा ठंडा होगा तो मैंने जो टेक्सचर बताया वैसा हो जाएगा। देखो ये इतना है, ओके? तो ये गाढ़ा हो जाएगा जब ठंडा होगा तो मैं उसे स्विच ऑफ कर देती हूँ। अब ये जब ठंडा हुए तभी इसमें डालना है हमें पनीर के रोल के ऊपर। वैसे तो आप शादियों में देखते हो कि अब छोटे छोटे वर्जन स्वीट के तौर पे ऐसे छोटे वर्जन ही सर्व किए जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा केसर जो है वो यहाँ ले लेती हूँ गार्निशिंग में। केसर वाला जो दूध है
आलमंड फ्लेक्स बादाम जो है वो भी ले लेती हूँ। एक एक जो स्ट्रेन्स है केसर का वो मैं रोल के ऊपर रख देती हूँ। अभी मैं उसे सिल्वर वर्क से सजाने वाली हूँ। कोई भी डिश बनाते हैं ना तो उसे गार्निशिंग का ही बहुत बढ़िया पार्ट है। हमें देखते ही खाने का मन हो जाए ना, वैसी डिश होनी चाहिए। तो ये मैं सिल्वर वर्क से उसे सजा देती हूँ। और आपको जो रोल बनाए उसे सिल्वर से वर्क से कोट करके रखना है तो भी आप रख सकते हो। मैं आपको ऐसा भी एक दिखा देती हूँ। वैसे वेरिएशन क्या करना है अपने आप को खुद ही ढूंढना है। थोड़ा माइंड चला के आप उसको वेरिएशन आप उसमें कर सकते हो। ओके दूसरा भी अभी थोड़े सेट कम हुए हैं लेकिन सेट हो जाएंगे तो ऐसे चिपकेंगे नहीं। वैसे हम सिल्वर वर्क को हाथ में नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारे हाथों में ऐसे चिपक जाता है, हम उसका फिर यूज नहीं कर सकते। पंखा जो है वो हमें बंद करना है और फिर सिल्वर वर्क का यूज करना है। तो रेडी है, आप इसे बंगाल स्वीट भी कह सकते हो। देखो पनीर रोल इन रबड़ी रेडी टू सर्व।
मैं आपको रबड़ी का ऐसा वर्जन हो जाता है, मैं अभी भी जो हमने जो बनाया है लाइव में वो देखो अब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे ये ठीक होता जाएगा, देखो उसका कंसिस्टेंसी देखो। और जब आप उसे फ्रीज में रखोगे तो ज्यादा ठंडा हो गाढ़ा हो जाएगा। वैसे आपको रबड़ी सिर्फ रबड़ी सर्व करनी है तो भी आप सर्व कर सकते हो। तो ये आपकी केसर वाली रबड़ी भी हो गई, उसे भी मैं बादाम और पिस्ता की फ्लेक्स से गार्निश करती हूँ। तो ये सिर्फ केसर वाली रबड़ी, ये प्लेन रबड़ी एंड रबड़ी विथ रोल, पनीर रोल इज रेडी टू सर्व। मैं एक बार रेसिपी को दोहरा देती हूँ। मैंने अमूल पनीर भुर्जी जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई है वो लिया है, उसके साथ में मैंने अमूल गोल्ड मिल्क लिया है, अमूल का मिल्क पाउडर यूज किया है। तो जब हम दूध है वो भी मैंने 2 कप दूध लिया है, उसके अंदर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मिश्री डाली है और 4 टेबल स्पून मैंने उसमें अमूल पाउडर डाला है और उसे 15 से 20 मिनट तक उसने उसको मैंने उबाला है और गाढ़ा करने दिया है। उसके बाद में मैंने पनीर और सॉरी उसमें पनीर भी ऐड किया है 4 चम्मच मैंने टेबल स्पून, और जो पनीर बचा है वो 200 ग्राम पनीर था उसमें से मैंने 4 टेबल स्पून इसमें डाला है, और दूसरा जो था उसमें मैंने अच्छी तरह से उसे मसल दिया है। उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर एंड 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर ऐड करके उसे मसल मसल के मैंने उसके रोल बना दिए हैं, और उसको मैंने थोड़ा ठंडा होने के बाद सेट होने के बाद सिल्वर फॉइल से सजा दिया है चांदी के फर्क से, और रबड़ी के साथ मैंने उसे सर्व किया है, और ऊपर से मैंने केसर वाला दूध डाल के एक वर्जन ऐसा मैंने केसर रबड़ी वाला भी बना दिया है। आशा रखती हूँ कि सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप सब लोग उसे इस त्योहारों में बनाएंगे खाएंगे और कैसा बना वो भी कमेंट करके हमें बताएंगे। अमूल टीम और दीपा मैम और अभिषेक सर और शशांक सर को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप सब लोग जो वक्त निकाल के जुड़ जाते हो और हमारी रेसिपी को ध्यान से देखते हो वो सबको भी मैं कैसे भूल सकती हूँ, उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओके तो बाय, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, बाय।